जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 के हटने के बाद से अब घाटी में जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। जिन्होंने कल तक तैमंद और टोपी बाजार में धागों की सप्लाई बढ़ाई थी, उन्हें जोड़ने वाली मशीन का पहिया उल्टा घूम गया है, मगर उनकी जिह्वा पर अभी भी कबूतर की बीट है जो उनको बीच बीच में गुटरगू करने को मजबूर करती है। खास बात है कि भारत सरकार ऐसे कुकुरमुत्तों से बेफिक्र कश्मीर में अपनी हर योजना बिना किसी दबाव के लागू कर रही है। भोका गिरी के भोका लोगों के पिछवाड़े में दर्द भी इसीलिए है। कल जब न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूत संदीप चक्रवर्ती ने एक निजी कार्यक्रम में यह कहा कि भारत सरकार को कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए इसराइल जैसी नीति अपनानी चाहिए, तो इसके बाद पाकिस्तान और भारत में मौजूद उसके जमूरों के पिछवाड़े में उठने वाला दर्द और अधिक बढ़ गया। यानी यह लोग कबूतर की बीट को अभी हजम नहीं कर पाए हैं और बकरी कुदान के बाद गधैया नर्तक करने के लिए अभी तक तशरीफ मटकाने का जज्बा बाकी है। इसका मतलब यह है कि छाज के साथ छलनी और पाक मदरसों के निठल्ले मुल्ला भारत में भी इस्लाम का वास्ता देने निकल आए हैं, जबकि खुद इनके देश की दहलीज पर इस्लाम मुश्किल में जूझ रहा है। इससे पहले पाकिस्तान की मदरसा छाप पैदा इसका तैमंद हरण हो, इसराइल मॉडल को जानना भी जरूरी है, क्योंकि पाक के तैमंदबाजों की 98% आबादी को यही नहीं पता है कि इसराइल की राजधानी का नाम क्या है, उन्हें इसराइल मॉडल की जानकारी तो क्या होगी। वैसे भी पाकिस्तानी मदरसों में अंतरराष्ट्रीय विषयों में बगदादी, लादेन और बोको हराम से संबंधित ज्ञान से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। दरअसल 1967 में इसराइल ने पड़ोसी देशों के साथ हुए युद्ध के बाद जितने भी इलाकों पर कब्जा जमाया, वहां उन्होंने अपने लोगों को बसाने की नीति अपनाई। इसमें वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलम और गोलान की पहाड़ियां शामिल थी। 6 दिन चले इस युद्ध से पहले यहां वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलम पर जॉर्डन का अधिकार था, वहीं गाजा पट्टी पर मिस्र का कब्जा था। लेकिन इसराइल ने आक्रामकता और युद्ध कौशल का शानदार प्रदर्शन करते हुए इन दोनों देशों से यह क्षेत्र छीनकर इसराइल का हिस्सा घोषित कर दिया था। इसके बाद ही इसराइल ने सर्वसम्मति से अपना विस्तार करने का फैसला किया। इसके लिए इसराइल सरकार ने अपने खर्च पर ग्रीन जोन से बाहर कॉलोनियां बसानी शुरू कर दी। इन कॉलोनियों में अधिक से अधिक लोग रहने के लिए आए, इसके लिए इसराइल सरकार ने कई तरह के टैक्स में उम्मीद से अधिक छूट दी। इसके अलावा भी यहाँ के निवासियों को कई दूसरी सुविधाएं प्रदान की गई। आज की घड़ी इन इलाकों में अभी कुल 132 बस्तियां हैं और 113 पोस्ट हैं, जिनमें 4 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। हालांकि कई अंतरराष्ट्रीय संगठन इन कॉलोनियों को अवैध घोषित कर चुके हैं, फिर भी इसराइल ने अपने लोगों को इन इलाकों में बसाना जारी रखा। हालांकि गाजा पट्टी में यह प्रक्रिया धीमी है, लेकिन वेस्ट बैंक में तेजी से लोगों का बसना जारी है। इसके बाद यह क्षेत्र धार्मिक संतुलन में बराबरी पर आ गया है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान केवल संदीप चक्रवर्ती के बयान के बाद ही नहीं बिदका है, बल्कि वह मोदी सरकार की इस एक योजना ही मान रहा है। पाकिस्तान को आभास है कि मोदी सरकार अपने महावाणिज्य दूत से ऐसे बयान दिलवाकर अंतरराष्ट्रीय जगत की प्रतिक्रिया का आकलन कर रही है। खास बात यह है कि बकलौल और बेवकूफ पाकिस्तान के अलावा अन्य किसी देश ने इस पर आपत्ति दर्ज नहीं की है, जिसका मतलब साफ है कि भारत भी भविष्य में ऐसा कोई मॉडल कश्मीर में लागू कर सकता है। अपने गले में सेकुलर का जूता लटका कर चलने वाले कुछ पाकिस्तानी पिट्ठू भी इस बयान के बाद पीठ दिखा रहे हैं। इन पिट्ठुओं को 1980 के दशक के बाद कश्मीर की मस्जिदों की वे चेतावनियां याद नहीं आती, जब मुल्ला ऐलान करते थे कि हिंदू मर्द कश्मीर को छोड़ दें और औरतें यहीं रह जाएं। इसके बावजूद यहाँ भारत सरकार कोई ऐसा ऐलान नहीं करवाने वाली है, बल्कि यहाँ कश्मीरी पंडितों को बसाकर उस धार्मिक असंतुलन को दुरुस्त किया जाएगा, जिसे कश्मीर में मौजूद पाकिस्तान प्रस्तों ने तार तार कर दिया था। अब भारत के इस राज्य में कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत की घिसी पिटी बकवास का दौर खत्म हो चुका है। यह राज्य भी ऐसे ही चलेगा जैसे देश के अन्य राज्य चल रहे हैं। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।